साइलेंट सीटिंग मतलब डायरेक्टली स्टार्ट कोई भी कर सकता है या साइलेंट सीटिंग एक टाइम के बाद ही स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं, एक एक समय के बाद। पहले मैंने ध्यान कराए सब, डायनेमिक कुंडली नटराज सब सारे ध्यानों से गुजारा लोगों को, और परिणाम जो आते हैं, ये जैसे तमूरा है ना, उसके तार जो है सेट करते हैं और फिर सुर ढलता है, उन सात तारों के ऊपर सुर ढलता है और वो संगीत पैदा होता है। उससे अब प्रत्येक तार को कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मिला के वो कुछ कसावट करके ऐसा है, तो अपना शरीर एक तरह का तमूरा है और उसको सही सुर में ले जाने के लिए थोड़े से उठा पटक करना पड़ती है। तो सब तरह के प्रयोग मैंने कराए लोगों, यहाँ जितने लोग खूब प्रयोग किए हैं, अभी भी यहाँ डायनेमिक वगैरह सब होता है, अकेली साइलेंट सिटिंग नहीं होती, यहाँ डायनेमिक भी होता है, कुंडली भी होता है, नादभ्रम भी होता है और फिर साइलेंट सिटिंग खास मैं खास मानता हूँ। क्योंकि एक बार आप थक जाओ, थकने के बाद फिर विश्राम में बड़ा मजा आता है, फिर आप विश्राम पूर्ण। एक बार थकना जरूरी है और थकने का मतलब ये है कि बिजाती चीजें आपके अंदर से निकल जाएं और ये सारे सुर आपके एक साथ बैठ जाएं, फिर आप चुपचाप बैठो तो बहुत बहुत ग्रेस उतरती है, बहुत ग्रेस जबरदस्त। अभी मेरे साथ बैठने के तो 10-12 लोग हैं ऐसे यहाँ जो मेरे साथ सही बैठने की तैयारी है उनकी, बैठ पाते हैं। बाकी लोग को मैं धंधे से लगाए रखता हूँ कि डायनेमिक करो, वो पूछने आते हैं तो सभी बता देता हूँ, कुंडली करो तुम, नटराज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, ये सब करो, और साइलेंट सिटिंग में भी बैठो तो कहाँ अड़चन आ रही वो तुम्हें समझ में आए। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो बॉडी की सेटिंग होना चाहिए आपकी बॉडी की, मतलब आपके सात चक्र हैं, सात चक्र ऐसे हैं, ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, जो ऊर्जा छड़ती है वो प्रत्येक चक्र में घूम जाती है, ऐसी ऐसी हो जाती है, तो प्रत्येक चक्र इंडिविजुअल ही बना रहता है, वो जुड़ नहीं पाता एक दूसरे से। और हम ताकतवर जब होंगे, जैसे आपको 7 मंजिल का मकान बनाना है तो फाउंडेशन आपकी बहुत मजबूत बनना चाहिए, फिर दूसरी मंजिल पे जितना वजन आता है वो, तो तीसरा, फिर सातवें पे हल्का वजन रह जाएगा, तो एक सीक्वेंस बन गई नीचे से ऊपर तक 7 स्टोरी की। ऐसी 7 स्टोरियों में हम बटे हुए हैं भीतर, और सब चक्र जो है अपनी अपनी चलाते हैं, ऊर्जा सभी मिल रही है, सब अपनी अपनी चलाते हैं, वो पहला अपनी चलाएगा, दूसरा अपनी चलाता है, तीसरा अपनी चलाता है, तो कौन सही है कौन गलत है इतना कन्फ्यूजन है आदमी को, जिसका कोई हिसाब नहीं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज आदमी है, और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतना ज़्यादा कम कन्फ्यूज है, क्योंकि कन्फ्यूजन का पता पढ़े लिखे आदमी को लगता है, सोए हुए आदमी को तो कन्फ्यूजन का ही पता नहीं लगता, वो तो सुअर जैसा राजी हो जाता है, आराम से राजी हो गए, क्योंकि ब्रेन है ही नहीं है, सोचोगे क्या, ब्रेन होना बहुत जरूरी है, समझ होना बहुत जरूरी है, समझ का बहुत बड़ा खेल है। तो जागृति का प्रयोग हो और सेंटरिंग हो आपकी, आपकी पूरी सेंटरिंग होती जाए और जागृति का प्रयोग हो, तो जागृति सिर्फ एक काम करती, आपके चित्त पे से अंधेरे को तोड़ देती है, वो जब चित्त पे से अंधेरा टूटता है तो आपको चीजें बहुत साफ दिखाई देती हैं, बहुत बढ़िया दिखाई देती है। अब इसमें ऐसा है कि कई लोगों की इस जन्म की यात्रा नहीं होती है, मतलब कई लोग हमारे यहाँ ऐसे आते हैं जो थोड़े दिन ही उन्होंने जो ध्यान किए और उनकी सेंटरिंग आ गई, सेंटरिंग बन गई,
तो उनको फिर बैठने में बहुत मजा आने लगा, बहुत गजब के ढंग से बैठने लगे, क्योंकि उतने ही श्रम की जरूरत थी उनको, उनका मामला आगे से पहले से सुलझा हुआ था, तो उनकी सेंट्रिक बन गई। वो सेंट्रिक फिर भी कितने अच्छी स्थिति से तुम आए हो पिछले जन्म में, इस जन्म में कुछ तो करना ही पड़ता, क्योंकि वो सेंटरिंग आपकी कितनी बनी है उसे उजागर करने के लिए कुछ उठापटक करना पड़े, तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी सेंटरिंग कितनी होना चाहिए। और सेंटरिंग होने का मतलब जो है कि आपको ध्यान लगने लगेगा, अगर आपकी सेंटरिंग हो गई तो फिर आप आंख बंद करोगे और थोड़ी देर में आप नहाने, अब यहाँ लोग थोड़ी देर में ऐसे स्पेस में चले जाते हैं कि अभी 2-3 घंटे बैठे रहे, तब मजा आता है कुछ लोगों की ये स्थिति, क्योंकि उनकी सेंटरिंग बहुत बढ़िया हो गई। खास काम जो होता है ना वो सेंटरिंग का होता है, किसी को उसको 3 महीने में ही हो जाता काम, 6 महीने में हो जाता काम, वो किसी किसी को 10 साल में भी नहीं होता, वो अलग अलग लोगों का अलग तरीका है, माने वो स्टोर होता सबका भीतर का। तो अगर आपको बैठते ही ध्यान लग रहा है तो फिर सेंटरिंग, मान लो आपकी सेंटरिंग हो गई तो भाई आपको एकदम पकड़ जाता सन्नाटा और सब खोने लगता है आपका अपने आप, माने आपकी सफाई होने लगती है अपने आप, विजाती चीजें अपने आप, विजाती विचार अपने आप गायब हो जाते हैं, बिल्कुल साफ सुफ हो जाता है। तो साइलेंट सिटिंग जो है सबके लिए तुरंत तो नहीं, बिना सेंटरिंग किए साइलेंट सिटिंग समझ में आती नहीं, पर अभी कोई सा भी ध्यान करो तो बाबा एक बार जैसे साइलेंट सिटिंग साल में आ गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद एक्टिव ध्यान की दोबारा से जरूरत पड़े और फिर वापस से साइलेंट सिटिंग उसके मतलब बीच में वापस से कोई एक्टिव ध्यान, वो मतलब अगर आप गैप ना लें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर गैप लेते हैं तो जरूरत पड़ती है, गैप लोगे तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, गैप अगर आपने नहीं लिया तो फिर आपकी लिंक जुड़ी रहेगी, तो फिर आप बाजार में भी कुछ भी करते रहो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बाजार आपको थका नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है कि बाजार थका दे और उसकी वजह से हमें मादक द्रव्यों का सेवन करना पड़े, बाजार थका नहीं सकता किसी हालत से। तो साइलेंट सेटिंग अगर कंटिन्यू रहे उसके बाद फिर वो अल्टीमेट है, उसके बाद किसी चीज की और फिर किसी चीज की जरूरत नहीं। वो अगर साइलेंट सेटिंग में सेंटरिंग हो गई आपकी और आपको ध्यान ने पकड़ लिया तो फिर उठा पटक बाधा है, जिसको ध्यान आ गया और फिर भी वो ध्यान करे तो उल्टा होगा, उल्टा जो हो जाएगा तो वो खटर पटर हो जाएगी उसको। तो बाबा इसमें एक ना मैंने मुकेश भाई से एक चीज पूछी थी कि मुकेश भाई ने मुझे ये बताया कि जैसी कोई भी चीज, जैसे अवेयरनेस इतनी एक आग की भट्टी है कि कोई भी चीज अवेयरनेस में जब उठती है तो वो फिर वहां पे खत्म हो जाती है, कि अवेयरनेस में कोई भी चीज पूरी तरह आता है कोई भी चीज तो वहां से खत्म नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। तो बाबा वो खत्म अवेयरनेस, उसको खत्म कैसे, मतलब अवेयरनेस में क्यों खत्म होती है वो अपने आप, वो तो ऐसी खत्म होती है जैसे अग्नि जो है ना, अग्नि नमी को खत्म कर देती है, वो कुछ अग्नि कर नहीं रही है लेकिन अग्नि की मौजूदगी में नमी तो नहीं बचेगी, आग नहीं लगेगी लेकिन नमी नहीं बचेगी। तो अवेयरनेस की प्रभाव में आपके अंदर से तमस चला जाएगा, अंधेरा चला जाएगा, तम नहीं रहेगा, क्योंकि अवेयरनेस एक तरह का प्रकाश है, ऐसा प्रकाश नहीं, एक अलग तरह का बोध का प्रकाश है, और वो जागृति क्या करेगी कि आपके चित्त को रोज रोज ताजा करेगी। जो ध्यान में मजा आता है वो जागृति से भी जीने में मजा आता है, कि आप जागृति से जियो तो रोज रोज, अगर ध्यान में बैठना साइलेंट सिटिंग और जागृति से जीना आ गया तो फिर तो आप राम जी की गोद में पहुंच गए ऐसे समझिए, इतना बढ़िया प्रयोग हो जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं।
और देखो जागृति के प्रयोग करने में हमें कुछ नहीं करना, आप बैठे हो जागृत हो तो बैठे रहो, बैठने में कौन रोक रहा, लेकिन उस पर जागृति लगी हो आपकी पूरी, आप खड़े हो काम कर रहे हो कंप्यूटर चला रहे हो लेकिन जागृति आपको क्षण क्षण लगी रहे, तो उससे क्या हो जाएगा आपके अंदर अंधेरा घुसेगा ही, और जब अंधेरा नहीं घुसता तो काम जो है ना, जिन कामों के लिए हम 8-8 घंटे मरते हैं लगाते हैं, वो मिनटों में उनका विज्ञान समझ में आता है कि ये मतलब जैसे अच्छे बढ़तर होते हैं ना, तुम कह नहीं पाते और उत्तर आ जाता है, उनको जागृति फली हुई है। ऐसे जो प्रतिभावान लोग हुए हैं ना, कुछ लोग जो अच्छे अच्छे गणतज्ञ ने हल नहीं कर पाया, जो बिना पढ़े लिखे हैं और उन्होंने हल कर दिया, तो उनके पास क्या विद्या थी, जागृति थी, और जागृति से उनका चित्त इतना खुला था कि वो उस गणित के हिसाब को तुरंत समझ लेते थे, एक मिनट में जैसे ही सामने आया कि तुरंत उत्तर, उसकी कोई क्रिया नहीं करना पड़ती, सारी क्रिया कर रहे हो आप, वो उत्तर ही आता हाथ में सीधा, जागृति थी। यानी संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जागृति है, और मनुष्य जागृति में जी सकता है। अब उस जागृति के प्रति जागृत हो, तुम्हारा जो मन है, जागृति तो तुम्हें पैदाइशी मिली हुई है, जागृति तो है जब तो तुम बैठे हुए, जागृति पैदा नहीं करनी है, जागृति लेके तो हर आदमी आया, लेकिन मन जागृति पर लगा रहे, मन उसके प्रति जागृत रहे, क्योंकि ये मन क्या है कि जागृति की तरफ नहीं देखता, ये बेहोशी की तरफ देखता, सारी चीजें जो बेहोश करने वाली हैं उनकी तरफ इसकी दृष्टि जाती है, जागृति की तरफ नहीं जाती। तो इसका क्या हो जाएगा, आधा आधा हिस्सा हो जाए, क्योंकि आप संसार के बगैर तो जी नहीं सकते हो, तो जैसे आपको आईने में दो ही तरफ का दिखता हो, इस तरफ का भी दिखता है और उस तरफ का भी, उसमें वो रोगन वोगन लगा था वो खत्म हो गया, वो रोगन लगा देते ना कांच में, इस वजह से इस तरफ से दिखता है और एक तरफ से वो काला कर देते हैं कांच के लिए, तो पीछे का कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो आगे का अकेला दिखाई देता है, और अगर वो हटा दिया जाए सब, तो आईना दो ही तरफ से देखने लगे, इस तरफ से भी आईना उस तरफ से भी आईना, तो एक तरफ से वो देखेगा संसार को और दूसरी तरफ से देखेगा खुद को, दोनों को एक साथ देख पाएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। बाबा ये एक बड़ी बार पहले भी बात हो चुकी है इस पर, जैसे कि बड़ी बार होता है मेरे साथ, मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो अपने आप को भी देख रहा हूँ और पेशेंट को भी देख रहा हूँ, उसी की बात कर रहे हैं ना, उसी की बात, हाँ कि मैं अपने आप के प्रति भी अवेयर हूँ, अपने आप को भी देख रहा हूँ, पेशेंट के साथ बात कर रहा हूँ, काम के प्रति भी सचेत, हाँ जी दोनों तरफ, अपने प्रति अवेयर रहोगे, काम के प्रति सचेत रहो, क्योंकि बाहर की चीजों पे हम सचेत रह सकते हैं, मन का काम सचेत रहना है, सचेत हो सकता है वो मन कभी ध्यान ही नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान में मन गायब बचेगा ही नहीं, तो सचेत रहता है मन हमारा, और होना चाहिए सचेत मन को, अगर मन आपका सचेत है तो वो जागृति को अनुभव कर रहा है, जो जागृति आपके भीतर पड़ी हुई है वो आधा हिस्सा उसका जागृति को देख है, और जागृति यानी हमको ही देखे, खुद को ही देख रहे हो और खुद को ही इस तरह से देख रहे हैं कि हमारे एक हिस्सा बाहर भी देख रहा और एक हिस्सा भीतर भी देख रहा, क्योंकि जो परम जागृति है वो इन दोनों के भी ऊपर खड़ी रहती है, इसे होश कहते हैं। अच्छा तो बाबा मैं एक इसमें सवाल, हाँ, जो आपने बोली बात, हाँ, कि जो अवेयरनेस है वो बाहर बेहोशी की तरफ भी होने के लिए तैयार बैठी है, हाँ, देखने के लिए, तो बाबा मेरे साथ ना अभी ये काफी हो रहा है, मैं मतलब बार बार ना चाहते हुए भी
बाहर मतलब इतने लोगों से डील करता हूँ और फिर बाद में मैं परेशान होता हूँ कि मैंने मतलब बाहर से इतना अपने ऊपर मतलब मैं कहीं ना कहीं उनको उठाने की भी कोशिश अनकॉन्शियसली पता नहीं क्यों रहती है मेरी, और लेकिन बार बार फिर वो मेरे को अफेक्ट करती है, मतलब बाहर की जो एनर्जी है, और फिर वो मेरी मेडिटेशन को परेशान करती है। तो अब मैंने मुकेश भाई से भी इसके बारे में बात की थी, पूछा था पुणे वाला बोल दो। तो एक पुणे में भी एक्सपीरियंस हुआ था अभी, वहाँ पे मैंने एक काउंसलिंग सेशन मैंने एक लिया, मैंने एक किसी से ऐसी, तो उसने मुझे मतलब देख के मतलब ऐसा बोला कि तुम तो मेडिटेशन जानते ही नहीं, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो तो एक चलो एक अलग बात है, लेकिन मैं दुनिया नॉर्मल दुनिया में भी ना अब कुछ दोस्त ऐसे है कि कभी मैं उनसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लूँ और मुझे पता है कि इनकी एनर्जी मेरे लिए अच्छी नहीं भी है, तो भी मतलब वो पता नहीं कैसे मुझसे वो चीज़ हो जाती है, और मेरे को अब समझ में नहीं आता कि मैं उससे बचूँ या उसको मैं अवेयरनेस से देखूँ या मैं मतलब कैसे उस चीज़ से डील करूँ कि जिससे मैं अब प्रभावित ना हूँ बाहर की दुनिया से। देखो इसमें क्या होता है कि हमारी स्थिति खराब क्यों होती है कि जो काम चार बातों में निपट सकता है, चार बातों में, वो काम हम 25 बातों से निपटाने की कोशिश करते हैं, उसे चारों तरफ से घेर कर कहते हैं कि इसे समझ में आ ही जाए, उसमें हम क्या होता है कि हमारे प्रति बेहोश हो जाते हैं और इतना फोर्स लगा देते हैं कि हम उस तरफ ही होश में रहते हैं, हम हमारे प्रति बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। और अगर आप बेहोश हो गए और उधर ज़्यादा घुस गए तो वो प्रोजेक्शन आप में घुस जाए, वो प्रोजेक्शन को फिर आपको जीना पड़े, वो सामने वाले की जो चित्त की दशा है वो तुम इतने गहरे जा चले गए उसमें, उसे काम चलाऊ नहीं समझा आपने, उसे स्थाई मान के जीने लगे और उसे समझा ही देना है ऐसा तय करके आप जरा ज़्यादा करुणा आ गई, आप ज़्यादा गहरे चले, उसमें उसका प्रोजेक्शन पूरा का पूरा आप में घुस जाए और अच्छी भली स्थिति आपकी बिगड़ जाए, और फिर उसको काटने में जागृति चाहिए और जागृति चाहिए जब विजाती चीज़ें कटे हों, नहीं ये विजाती चीज़ें, इसलिए आदमी को कम से कम में काम चलाना चाहिए बाहर की जगत, और कम से कम में काम चलाने की कला अगर आपको आ गई तो आपका ब्रेन इतना बढ़िया शार्प होगा, वो आदत है, हमको कम से कम में काम चलाने की आदत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की आदत, कहीं भी हम जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, कम से कम में काम नहीं चलाते, तो इतने में काम चल जाए, और ये प्रतीक इसलिए है कि आपकी जागृति कम पड़ रही है, इसलिए आपको आपका बोध कम पड़ रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है सामने वाले के साथ, नहीं फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। साधक का जो गुणधर्म है कि उसे टेलीग्राफी काम करना चाहिए कि आप आपका काम भी करो लेकिन काम ही मत हो जाओ, उसमें इतने मत घुस जाओ कि लौट के आप बैरंग हो जाओ, जब आप लौट के आओ तो बैरंग मिलो तो वो चीज़ें हावी हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा साधना में ये चीज़ परेशान करती है। हमारे महेंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, फिर भी बाहर के जगत में प्रोजेक्शन इस पर आ जाता है, बाहर के जगत में अगर ज़्यादा भी हंस लिए ऐसा हो गया, ज़्यादा बह गए आप, बहुत ज़्यादा भूल गए तो वो प्रोजेक्शन काटना पड़ता, फिर साफ दिखता है कि जो प्रोजेक्शन दिखाई देता उसे पकड़ में आ जाता है कि जो प्रोजेक्शन है देख लेता है, फिर आगे भूल कम, फिर आगे भूल और कम, तो ऐसे करते 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 आपकी बहुत बढ़िया चित्त की दशा हो जाएगी जो बाहर के प्रोजेक्शन को इतनी जल्दी नहीं पकड़े, लेकिन उसमें ये आदत बदल देनी, अभी हमको ज़्यादा बोल कर समझाना पड़ता है। आप देखो आपके यहाँ जो सर्जन लोग होते हैं या बड़े लोग होते हैं वो
जरा सी देर में बड़ा सा काम करके चले जाते हैं। वो जितनी क्लास छोटी होती है उन्हें बहुत टाइम लगता है कभी। जो कुशल बहुत कुशल होता है वो तो आता है, वो जैसे खेल खेल गया हो, जरा सा खेल खेलता हो चला जाता। मैंने तो ओपन आर्ट सर्जरी वाले को भी देखा, मैं तो कॉन्शियस नहीं था लेकिन लोग बता रहे थे कि ये तो कुल 15 मिनट के लिए थे वो, बाकी तो ये ड्रामा 4-5 घंटा चला गया दूसरे लोगों से चला है। तो अपन क्या है कि अपने नीचे के लोगों से काम करा लो, नीचे के लोगों को मौका दो काम करने का, उनसे करा लो। अब बिल्कुल आखिरी के तल्ले में खुद नहीं जाना, बिल्कुल आखिरी के में नहीं घुसना, तो आप काफी बचे रहोगे और जागृति आपकी बची रहेगी, बोध बचा रहे। हम बिना मतलब का बोध खर्च करते हैं, आदत है हम। जी आदत की बात है आपकी, बोलने की बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि आपकी एनर्जी इतनी उधर वेस्ट हो जाती है उसको समझाने में कि आप अपने के साथ टच ही लूज हो जाता है। उसमें फिर एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है, फिर टायर्ड हो जाते हो, एग्जॉस्टेड। और ये बीमारी जो है अहंकार का सूक्ष्म मजा है, ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए, 10 जनों समझ में आ जाए। ये अहंकार का बहुत सूक्ष्म मजा है और वो पीड़ा दे जाता है। बाबा आपने इससे पहले एक लाइन बोली थी आपने कि होश जागृति से भी ऊपर है, ये आप क्या बोल गए थे बीच में आपने? जागृति तो मन का हिस्सा है, मन होता है जागृत, और होश तो होश किसी कार्य कारण से थोड़ी होता है। होश का कोई कार्य कारण नहीं है, ना कोई विधि विधान है। होश तुम्हारी अवस्था है, और अवस्था तो हमेशा बनी रहती है। आपका चित्त भटक गया है, और जैसे ही आपका चित्त भटक के वापस लौटता है तो होश होता। जैसे आप निमग्न बैठे हो, खोए हो विचारों में, और एक आदमी अंदर घुसा, अंदर आया कमरे में, आपको होश नहीं आ जाता। वो कहां से आपने बनाया क्या वो होश कि वो था ही? ये हमारे सपने की लिंक तोड़ दी सामने वाले ने आके, क्योंकि हम अधिकतर सपना देखते रहते हैं, और सपने के कारण हम होश से अपरिचित रहते हैं हमारे। और होश ना तो पैदा होता क्रिया से, किसी भी क्रिया से पैदा नहीं होता। ये तो सेंटरिंग की मैं बात कह रहा हूं, ये सेंटरिंग जब आ जाती है तो आपका मन बहुत शार्प हो जाता है। वो शार्प हो जाता है तो वो क्या टेलीग्राफिक निपटाता है सब काम। ये मन का ही खेल है, चेतना मन को ही कहते हैं चेतना, और बोध जो है ना भगवत्ता को कहते हैं। तो जैसे आप कई बार बोल चुके हैं कि आप जब आप अगर ध्यान ब्रेथ पे जाता है, सांस पे जाता है, तो उस टाइम पे आपकी जागृति बढ़ती है, होश भी बढ़ता है उसके साथ। उसके साथ अपने आप होश बढ़ता है। जितना ज्यादा मन जागृत रहेगा उतना ज्यादा होश बढ़ेगा। मन जागृत होना चाहिए, क्योंकि हम प्रयोग मन का ही कर पाएंगे। तो विधि तो बाबा फिर सांस ही हुआ, तरीका तो सांस के थ्रू ही जाएगा ना फिर ये। सांस के थ्रू भी जाएगा, सांस के बगैर भी जाएगा। सांस के बिना, वो मैं देख रहा हूँ कि सांस के बिना भी हो जाता है। सांस के बिना भी होता, सांस की जरूरत नहीं है। वो बोध के लिए सांस की भी जरूरत नहीं है। जो बोध है ना, वो तो सांस के भी ऊपर है, शरीर के भी ऊपर है, वो सबके ऊपर है। क्योंकि बोध तुम्हें है ही, बोध को लाना नहीं है कहीं से। सिर्फ आपको बोध के और आपके बीच में सपना जो पड़ा है उस सपने को तोड़ना, और हम मन को और सपना बना लेते हैं। तो अगर मन की आदत हमने वैसी कर दी कि मन को सपने तक ना ले जाएं, काम चलाओ काम करें और हम वापस लौट आएं, यानी ऐसे पढ़ना तो ऐसे पड़ता है इस खेल को कि आप जो है जो भी कर रहे हो, जो भी, वो सब विजातीता है, सजाती कुछ भी नहीं है इसमें। वो मन के ही खेल का खेल है पूरा का पूरा,
क्योंकि बाहर के जगत में सिर्फ मन का ही खेल होगा और कुछ नहीं होगा। तो कायदे से देखो तो ये एक स्वप्न है जो मन का खेल है, ये स्वप्न से ज्यादा नहीं। लेकिन हम स्वप्न को सच्चा मान के, मन के द्वारा अगर उसे सच्चा मानने लगे तो फिर कोसों दूर चला गया बोध। तो साधक को या कोई भी आदमी को, ध्यानी को, संसार में हर चीज को काम चलाऊ मानना चाहिए, टेम्परेरी, क्योंकि संसार की कोई चीज परमानेंट हो ही नहीं सकती। और टेम्परेरी है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट है आपका, क्योंकि टेम्परेरी चीज के साथ हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, परमानेंट चीज के साथ आप इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं। आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं टेम्परेरी चीज के साथ, जो टेम्परेरी है वो इंटरटेनमेंट होगा। और मजा ये है कि संसार में स्थाई कोई चीज है नहीं है, तो फिर ज्यादा शक्ति लगाने की जरूरत क्या, किसी भी बात में इतनी शक्ति लगाने की क्या जरूरत है। वो शक्ति जो है अगर हमारे मन में ही रह जाए तो मन क्या करेगा कि जो सपना देख रहा था वो तुम्हारी ऊर्जा से सपना टूट जाएगा। जब ऊर्जा से भरा होने लगेगा मन तो सपना देखना बंद करेगा, क्योंकि ऊर्जा से सपना, मन जो है खिलावट से भरता है, मन जो है ऊर्जा से खिलावट से भर जाता है। ज्यादा ऊर्जा हो उसके अंदर मन के पास तो बहुत ऊर्जावान जब मन हो जाता है तो एक खिलावट आ जाती है आपके अंदर, और खिलावट मन में आ गई तो हर काम खेल हो जाता। हर काम खेल से ज्यादा नहीं, हम और आप भी यहां बैठे हैं जो भी, ये खेल है, इससे ज्यादा नहीं, ये खेल चल रहा। बहुत बढ़िया एपिसोड है, तो आप सब चले जाओगे, एपिसोड बदल गए, ये है एपिसोड। अब बहुत गौर करना, सवेरे से अभी तक तुम्हारे कितने एपिसोड बदल गए, सत्य कुछ भी नहीं था उसमें, सब एपिसोड बदले। इसका मतलब बाबा ये हुआ कि आपका काम तो बड़ा सिंपल हो गया उस एंगल से कि आपने, बहुत सिंपल, 24 घंटे काम को इतना वजन लेकर जीता है आदमी जो मेरे को आश्चर्य लगता, वहां आश्चर्य लगता है। काम में वजन है ही नहीं अगर वो खेल है तो, अगर खेल है तो वजन कहां से रहा, क्यों खेल में वजन नहीं लगता, वजन है तो खेल नहीं है, पर काम हो गया। अपन ताश खेलते हैं, कुछ लेना देना नहीं होता, घंटों बैठे रहते खेलते रहते। इसका मतलब बाबा ये हुआ कि जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं दिन में, आपका बस ध्यान उस पे होना चाहिए कि आपकी ऊर्जा आपके मन के लेवल पे, आपको आपके बीइंग का बोध होना चाहिए। हाँ, वो वाली बात, आपको अपने होने का पता होना चाहिए, इसको मैं मानता हूँ धर्म। आप हैं, देखो दो दो स्थितियां हैं संसार में, जितनी चीजें हैं वो है तो उतनी ही जितने हम हैं, हर चीज उतनी ही मूलवान है जितने हम हैं, लेकिन किसी चीज को अपने होने का बोध नहीं है, ना तो सूरज को है, ना चांद को है, ना तारों को है। संसार की कितनी, जिसे तुम बड़ी से बड़ी चीज कहो तो वो चीज के पास होश नहीं है, बोध नहीं है खुद के होने का। बोध का मतलब खुद के होने का पता लगे आपको, खुद के होने का, ये जो पर्सन नहीं, ये जो पर्सनालिटी नहीं, ये जो बीइंग, आपको आपके होने का पता लग रहा है कि आप हैं, और ऐसा आप जान रहे हैं कि आप हैं। अब ये एक विटनेस हो गई, आप हैं, और अगर ऐसा जान रहे हैं तो आपका मन ही जान रहा, आपका मन, और मन जब आपको आपको जानने में लग गया तो किसी भी चीज को जानने में उसका रस खत्म हो जाएगा,
क्योंकि मन के लिए भी आपका होना इतना मूल्यवान है, क्योंकि आपके होने की वजह से मन जो है वो आपके होने की वजह से है। आप नहीं होगे तो मन उसी समय गायब हो जाएगा और रहेगा नहीं। तो मन का बोध के साथ अनुभव करना, बोध को मन ही अनुभव करेगा, तुम और कौन हो, अभी मन हो, मन अनुभव करेगा बोध को, बोध यानी तुम्हारे होने को, समझ रहे मेरी बात, मन तुम्हारे होने को अनुभव कर रहा करेगा कि मैं हूं, ऐसा अनुभव करेगा, मैं की तरह ही करेगा कि मैं हूं और ऐसा मैं जान रहा हूं। अब आप जो हाथ उठा रहे हो, एक बिना उसके भी उठा सकते हो, आपका हाथ उठ रहा है ऐसा भी जान रहे हो और इसे कोई जान रहा है ऐसा तो जान ही रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हाथ उठ जाए तो जो अकेला चेतन है लेकिन बोध में नहीं, और जब ये ऐसा होगा तो ये बोध पूर्ण हो गया, ये बोध से जुड़ गया, ये एक पूरा बोध से जुड़ गया। तो ऐसे हम हैं और हमें हमारे का होने का बोध, ये एक लाइन में पूरा ब्रह्मांड की कला आ गई। बिल्कुल है, तो बहुत सिंपल है, पर उसको बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है, लेकिन तुमने तुम्हारे होने को क्या मान लिया, शरीर या मन। और अगर तुम शरीर हो या मन हो ऐसा तुम जानते हो कि मेरा होना जी है, तो उसका नाम है अहंकार। अगर आप मन से बोध को जानते हैं तो मन भगवान के दर्शन कर लेगा, और मन से पर्सनालिटी को जानते हैं, क्योंकि जानते तो आप मन से ही हो, जानने वाला तो मन ही होता है ना, वो तो जानने वाला है मन, तो आपकी पर्सनालिटी को जानता है, पर्सनालिटी को जानने से वो अहंकार का रूप धारण कर लेता मन, और बोध को जानने से परमात्मा का रूप धारण, परमात्मा की याद से भर जाता, वो एकदम परमात्मा की याद से भरता, यानी परमात्मा से ज्यादा सरल दुनिया में कोई चीज नहीं, सबसे ज्यादा सरलतम कोई चीज है इस जगत में तो वो है परमात्मा, क्योंकि वो उपलब्ध ही है, आपको उपलब्ध नहीं करना, उसके प्रति बोध पूर्ण होना, उपलब्ध नहीं करना, और बोध कोई उपलब्ध होगा ऐसा नहीं है, बोध तो है ही, जब मन बोध पूर्ण हो जाएगा तो मन किसी और के प्रति बोध पूर्ण नहीं रहा, और इसका स्वाद उसे इतना ज्यादा लग जाएगा कि और के प्रति बोध पूर्ण वो टेम्पररी होने लगेगा, काम चलाऊ तो होगा, तो 24 घंटे आप इसी में थोड़ी बैठे रहोगे, लेकिन एक बात तय हो गई कि असली चीज क्या है और नकली चीज क्या है, ये बिल्कुल साफ हो गया कि असली चीज, असली पूंजी कहाँ है मेरे पास, और काम चलाओ पूंजियां कहाँ है, व्यवस्थाएं कहाँ है, विवाह तो व्यवस्थाएं भी करेगा, क्योंकि व्यवस्था भीतर से नहीं आ सकती, भीतर वाला व्यवस्था नहीं करता कुछ भी, भीतर वाला तो होने का आनंद ले रहा, वो कौन सी व्यवस्था में जाएगा, होने का आनंद ले रहा व्यवस्था की परवाह कहाँ, और बाहर वाला जो है व्यवस्थाओं में ही लगा रहता है, उसका धंधा जी है। तो जे इसलिए मैंने कहा कि काम चलाओ बाहर आए और काम निपट जाए, और अपने साथ ज्यादा रहे, अपने होने के साथ होने का आनंद ले, अपने होने के साथ होने का जो स्वाद है, स्वाद भी मन को ही आता है, जो ध्यान का स्वाद आता है वो मन को ही आएगा, क्योंकि ये सारे स्वाद जिसे कहते हैं हम, वो तो सब मन का ही खेल है, क्योंकि वहां तो कोई स्वाद ही नहीं है, आपके होने, आपका होना परम आनंद है, वे सब 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 चीजों से, और वो बोध शरीर को छूता तो शरीर मजे में आ जाता, मन को छूता तो मन मजे में आ जाता, वाणी को छूता तो वाणी मजे में आ जाती, सारा खेल उसको छुओगे और हर काम फिर आपका क्या मजेदार होगा, शरीर भी आपका इतना ताजा, जीवन तो बहुत बढ़िया,
क्योंकि उसने बोध को छू रहा है, तो आदमी अपने से ही रिपेयर होता रहता है, ऐसे समझिए। उसका मन रिपेयर होता रहता, मन इधर गड़बड़ करता उधर सही हो जाता, इधर गड़बड़ करता उधर सही हो जाता। और जे कला जिंदगी भर ऐसी चलेगी, आप कहो कि परमानेंट बोध जग जाए वो हो नहीं सकता, आप कहो परमानेंट मन में रहो तो वो हो नहीं सकता। मन को 24 घंटे में कई बार बोध को छू नहीं पड़ता है, उसे पता हो चाहे ना। तो बाबा ये भी अवस्था होती है कि जैसे आप परमानेंटली अपने प्रति भी अवेयर हैं और बाहर चल रहा है वो भी अवेयर है। हाँ? वो अवस्था भी आती है। मन के दो फल हो गए, दो फल माने तीर दो तरफ चला गया। हाँ जी, हाँ जी। तीर का दो तरफ चलना उसी को कहते हैं। तो वो उस स्टेट में भी आप रह सकते हैं 20 बिल्कुल हमेशा के लिए। बिल्कुल, वो आपकी स्थिति बनी रहेगी वो बाहर का काम, लेकिन चूंकि आधा आधा रहता है, जब जे फल भी उसी तरफ जाएगा, जब दोनों फल एक हो जाएंगे तो फिर स्वाद ही अलग, स्वाद ज्यादा हो जाएगा, स्वाद ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक ही में आपका एनर्जी एक ही जगह कंसंट्रेट हो। हाँ, और इधर भी बेहोशी में भी बड़ा मजा आने लगता है, ज्यादा बेहोश हो जाता आदमी तो उसे लगता बड़ा मजा आ रहा, उसका मन मजे में आ जाता। बेहोशी का भी अपना मजा है, क्योंकि वो बेहोशी में हम प्रकृति का हिस्सा हो जाते, और प्रकृति जो है ना पूरी बेहोश है, ये पूरी प्रकृति अंधेरे से भरी हुई है, पूरी बेहोश, यहाँ प्रकाश का कोई काम ही नहीं। पेड़ पौधे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े सब, ये पूरी प्रकृति है, ये प्रकृति पूरी की पूरे एक अंधेरे को एकाग्रता से जीती है, इसलिए मुझे वो सिर्फ अंधेरा है, प्रकाश नहीं है, सारा डेवलपमेंट उसका अंधेरे में होता है। और मनुष्य जो है अंधेरे में, मनुष्य का विकास नहीं हो रहा, अंधेरे में प्रकृति ने आपका विकास कर दिया, ये आंखें अंधेरे से पैदा हुई, कान नाक सब अंधेरे से आपके आ गए, सारा शरीर और चेतना आ गई, अब इसमें आ गई चेतना, चेतना को कहते हैं मन, चेतना आ गई, और चेतना जो है वो अंधेरे का मजा नहीं ले सकती, उसे प्रकाश का ही मजा आता है। चेतना और मन एक ही बात, चेतना जो आई हमारे अंदर वो मन ही है, जिसको अच्छे बुरे की पहचान, ये पशु पक्षियों को अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, ये तो अलग दशा में जीते हैं, जो काम हो जाए तो सही है, ऐसे समझ लो उनके लिए, तो किसी को मार रहे हैं तो मारना ही ठीक है, उन्हें तो रोटी से और दो तीन चीजों से मतलब है, इससे ज्यादा कोई मतलब, मनुष्य परमात्मा होने बना तो बहुत बड़ा अंतर है जमीन आसमान का। और परमात्मा आप पूरे जब हो सकते, जब प्रकृति के सारे जालों से आप बाहर आ जाए, प्रकृति के जालों से बोध आपको बाहर रखता है, क्योंकि बोध तो कभी प्रकृति में जाता ही नहीं है, मन ही जाता है, और मन को तुमने पलटा लिया, बोध के साथ जोड़ दिया, बोध में मन को इतना स्वाद आने लगेगा, कहने सुनने से ये नहीं छूटता है, कहने सुनने मन इतना बोध का मजा लेने लगेगा कि जी प्रकृति के स्वाद उसके लिए फीके हो जाए, काम चला उड़ जाए। तो ऐसा आदमी ना तो काम में मजा ले सकता, ना क्रोध का आनंद ले सकता, ना मोह का ले सकता, ना भय का ले सकता है, ना मतलब ये जो अंधेरे की चीजें हैं उनका, मन ऐसी बुरी हालत में पहुंच जाता है कि इन चीजों का मजा उसे बिल्कुल नहीं आया, तो उसे लौट कर उसी अपनी तरफ जाना, दो ही फल एक कर लेगा वो, और वो बोध के साथ आनंदित होता है, वो इतना आनंदित होता है कि सारी प्रकृति का आनंद एक तरफ और वो बोध के साथ मन बहुत आनंदित होता है। तो हमारा मन बोध के साथ आनंद बना रहे एक कला सीखनी है, और ये जो है होश से आती है, ध्यान और होश से ये कला आ जाती है, ख्याल में आ गई क्योंकि आप पूछते तो छोटा सा हो, और मुझे भी उसी मन का प्रयोग करना पड़ता है जिस मन से लंबा कहा जा सकता है, और
जान के होता है, मैं सबसे जानते हुए करता हूँ कि वो इतने छोटे में। अब जब जब और मेरे भक्त लोग कुछ और उस स्थिति में होते हैं, उन सब में ऐसी बातें नहीं करते, उन्हें बस एक बात में समझा देता ये ऐसा है, उनसे कह देता होने में हो जाओगे, सब कुछ मत करो। आपके सारे सूत्र उसी पे लेके जाते हैं और आपने हमेशा ही कहते हैं, मुझे बोध जो है उसी का रखा, या अपने में या सपने में। मैंने परमात्मा की जगह अपने को जीवन देख लिया, अपने को ही जीवन देख लिया है मैं अपने भीतर, तो मैं तो उसी की चर्चा करूंगा ना ज्यादा। ये तो फिर फालतू की बात है, बहुत सारी भूमिका बनाना पड़ती है, लेकिन मूल मंत्र तो वही। और ये ध्यान में बैठते बैठते लेक्चर जब दूंगा तो इनकी अकल ठीक करने के लिए कि तुम ये ना मानो यार, ध्यान में ये हो रहा वो हो रहा वो हो रहा, वो जब सब हो रहा है वो भी टेम्परेरी है, मन का खेल है। और पलट कर देखो, जब तक मन बोध ही ना हो जाए, बोध में इतना ना डूब जाए जैसे संसार में इतना डूब जाते कि काम हो जाता है, क्रोध हो जाता, वो नहीं जाता, लोभ हो जाता, पूरा पूरा डूबता, ऐसे ही मन तुम्हारा बोध के साथ डूब जाए। अब बोध के साथ डूब जाए तो बोध हो जाए, पर वो गायब ही हो जाए। और वो एक बार घटना घटी उसी को समाधि कहते, मन बोध के साथ एक हो गया तो वहां समाधान आ गया, फिर आपको आप उत्तर हो गए, आप प्रश्न नहीं रहे। संसार में हर चीज का उत्तर है आपके पास, प्रश्न तो आपको पैदा ही नहीं होते, क्योंकि प्रश्न जिस मन को पैदा होते थे वो बोध में डूब गया और उसने बोध स्वयं होकर देख लिया और फिर लौटा, तो जब वो लौट के आएगा तो टेम्परेरी रहेगा हमेशा, काम चलाओ, और चाहे जब उस तरफ चला जाता जब मर्जी आ रही ख्याल। और तो कुछ नहीं पूछने तो तुम्हें मैं बोध की झलक दिलाऊंगा थोड़ी सी, बातचीत करते करते भी, बातचीत करते करते भी थोड़ा करंट आता, क्योंकि मन तो सुन तो वही बात रहा है ना, तो वो जुड़ने लगता है। तो कभी कभी मेरी बात सुनकर लोग घंटों मजे में बने रहते हैं, वो बोध से टकरा जाता है, मन बोध से जुड़ जाता है। ठीक है, शुभ रात्रि।